प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी में इलाज करवाने यदि आप आ रहे हैं तो अपने सामान को संभाल कर रखें, क्योंकि अस्पताल में इन दिनों चोर गिरोह सक्रिय है। आईजीएमसी के मेडिकल वार्ड में चोरी का मामला सामने आया है। अस्पताल के मेडिकल वार्ड में उपचाराधीन बुजुर्ग महिला का पर्स लेकर शातिर चोर रफू चक्कर हो गए। गौर हो कि इससे पहले भी अस्पताल में चोरी के कई मामले सामने आए हैं, जिसमें नकदी के साथ मोबाइल और अन्य सामान चोरी हुआ है। सामान चोरी हुआ जी, पैसे और वो क्या बोले, आधार कार्ड लड़की का। अच्छा जी, सारा पर्स ही उठा लिया, बस यहाँ सामने ही साथ ही था। साथ और यहाँ से कोई उठा करके ले गया ले गया कोई पता, उसने भी पीट थी ना फेरी हुई, वो मेरी कूद कर रही थी। पैसे जो तो थे मेरे वो तो था 17,000, लड़की बचा रही, ऐसा मेरा 7,000 था, बोलो उसमें 7 बताया अभी उसने, मेरे को पता है नहीं, मेरे को 17 और 7 टोटल 24,000। हाँ। तो यहाँ पर इनका सामान गुम हुआ है, 24,000 के लगभग जो नगद है, नगद राशि यहाँ पर इनकी गुम हुई है। और अभी आपके पास अब क्या इलाज वगैरह करवाने के लिए पैसे है? कुछ नहीं है, एक रुपया नहीं है। और अब यहाँ पर ये स्थिति बनी है कि इनके पास हाथ में एक भी रुपया नहीं है। और आपके एटीएम कार्ड वगैरह? मस्त मीडिया का भी जो है धन्यवाद करना चाहता हूँ। कल जो हमारे यहाँ जो है चोरी हुई है हॉस्पिटल में, जिसमें जो है लोगों के पैसे चोरी हुए हैं। और मैं तो सबसे पहले यही बात करना चाहूँगा कि अगर ये जो चोरी के मामले, जो चोर गिरोह जो एक्टिव हुआ है, ये जो है हमारे जो सिक्योरिटी इंचार्ज है डॉक्टर अमन चौहान, उनकी बदौलत हुआ है। क्योंकि उन्होंने जो है क्या बोलते हैं, पेट्रोलिंग ड्यूटी बंद कर दी है, नाइट पेट्रोलिंग भी और डे पेट्रोलिंग भी, जिसमें जो उन्होंने ऑर्डर लगाए थे कि जो पुलिस जो है पेट्रोलिंग करेगी आईजीएमसी की, तो इस वजह से जो है चोरियां हो रही है आईजीएमसी में। मैं साहब मैं तो मैं इतनी दर को ये कहना चाहता हूँ कि एक बेड में जैसे चार चार पेशेंट हैं, हर बेड में तो हम सिक्योरिटी वालों को भेज नहीं सकते हैं। तो मतलब जो है अपने सामान का जो है ध्यान रखें और खुद भी जो है एक्टिव रहें। और जो भी ये चोरी का जो मामला है, ये जो है निंदनीय है, बहुत ही गलत है। क्योंकि लोग जो गरीब आदमी होते हैं बेचारे, दूर दूर से आए होते हैं, लोगों से पैसे उधार करके जो है हॉस्पिटल आते हैं और यहाँ जो इनके पैसे चोरी हो जाते हैं। तो इसमें जो है मैं सबसे पहले दोष देना चाहूँगा आईजीएमसी के डॉक्टर अमन चौहान जी, जो हमारे सिक्योरिटी इंचार्ज है, उन्होंने जो है पेट्रोलिंग ड्यूटी बंद की है। क्योंकि हमारे जो लड़के हैं, जो सुरक्षाकर्मी हैं, वो चोरों को पकड़ते थे सिग्नल में और पुलिस के हवाले करते थे। आज भी जो है कोर्ट में जो है मामले विचाराधीन है। इसलिए जो मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रशासन को एक बार सोच लेना चाहिए कि पेट्रोलिंग जरूरी है। थैंक यू, धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।